नमस्कार, स्वागत है आपका अलर्ट 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। सबसे पहली खबर लखनऊ से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन में पहुंचे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की वजह से उन्हें अपना भाषण आधे में ही छोड़कर जाना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी से 7 फरवरी तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी को सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जाने की वजह से भाषण को आधे में ही खत्म करके निकलना पड़ा। आपको बता दें, एक मानसिक विचित्र युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। युवक को प्रधानमंत्री की तरफ दौड़ता देख कमिश्नर सुजीत पांडे ने दौड़ते हुए युवक को पकड़ा। यूपी पुलिस की फुर्ती की वजह से हादसा होते होते बच गया। वहीं चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग का द्विवर्षीय अधिवेशन चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुआ। चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग का द्विवर्षीय अधिवेशन एवं चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस द्विवर्षीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे, प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव, सतीश पांडे, सुशील कुमार बच्चा सहित अन्य कद्दावर कर्मचारी नेता उपस्थित रहे, जिसमें सर्वसम्मानित के आधार पर भद्र प्रसाद को प्रांतीय अध्यक्ष, जयप्रकाश को प्रांतीय महामंत्री, अंजनी कुमार शुक्ला को संरक्षक संगठन द्वारा निर्विरोध चुना गया। मैं बद्री प्रसाद, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पद पर आज चुना गया हूं, और मैं यह वादा करता हूं, मैंने यह संकल्प लिया है कि अपने कर्मचारी भाइयों के हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहूंगा। जो आप निर्विरोध, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इसके लिए मैं तमाम जनपद के आए हुए अध्यक्ष, महामंत्री और सदस्यगण सबका आभारी हूँ कि उनका प्यार स्नेह हमको मिला। अगली खबर बाराबंकी से, जहां पे विकास खंड सिद्धौर कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा सिद्धेश्वर मंदिर से पारंपरिक मार्ग होते हुए कस्बे के अंदर से भ्रमण करते हुए तिरंगा यात्रा पुनः सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने तिरंगा यात्रा के संयोजक हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री दीप्तांशु निगम से तिरंगा यात्रा को लेकर बात की। दीप्तांशु निगम ने बताया कि सीए और एनआरसी के तहत जो बिल पास हुआ है, उसके समर्थन में और आम जनमानस को इसके बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। बाराबंकी जनपद के सिद्धौर हमारा एक ब्लॉक है, जो नगर पंचायत में ये कार्यक्रम हो रहा है। सिद्धेश्वर मंदिर है, यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित मंदिर, बहुत लगभग 500 वर्षों से पुराना मंदिर है। वहाँ से निकल करके गली गली कूचे कूचे होते हुए यह तिरंगा यात्रा और सीए के समर्थन में यह जो यात्रा चल रही है, यानी वो उसी मंदिर पर वापस जाकर के समाप्त होगी। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर हसन कौसर ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय मुसलमानों को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र मंच के सैयद हसन कौसर सह सहयोगी की अध्यक्षता में सीए और एनआरसी के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सीए के विरोध में जो धरना प्रदर्शन शाहीन बाग और घंटाघर में चल रहा है, तत्काल वहां से हटकर जो धरना स्थल सरकार द्वारा बनाए गए हैं वहां पर होने चाहिए, क्योंकि किसी को भी अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए जनता को परेशान करना बिल्कुल सही नहीं है। जो लोग देश विरोधी बातें कर रहे हैं, जिन्ना वाली आजादी मांग रहे हैं, उन्हें कारगिल के पहाड़ों से पाकिस्तान सीमा में फेंक देना चाहिए। सीए के समर्थन में जो आज हमने यहाँ के ऊपर प्रेस वार्ता रखी, गोष्ठी रखी, वो सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि सीए बिना वजह हिंदुस्तान के हुकूमत ने थोप दिया, जबकि सच्चाई ये है कि बड़ी संख्या में लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने के लिए ये कानून अलग से लाना पड़ा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।